Okay, so hello everyone. Welcome to Ashish Malika's Academy YouTube channel, guys. And I'm back with some more announcement regarding an academy and your UPSC preparation. Dosto, finally, dekhiye, UPSC ka prelims ho chuka hai. I'm sure bahut sare bachche abhi bhi samajhne ki koshish kar rahe honge ki sir, exam kaise aa gaya. UPSC prelims bahut logon ke liye surprising tha. Main bilkul manta hoon, bahut unconventional paper raha hai. तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को हमें बहुत अलग एंगल से एनालाइज करना होगा. यूपीएससी में सिर्फ करंट अफेयर्स के भरोसे एग्जाम नहीं हो सकता. हम सब जानते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को फिर से हमें फोकस में लाना होगा. उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को बनाइए बहुत ही बेहतरीन. आपको इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, अपना 100% देना है अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए. जो बच्चे 2022 को एम कर रहे हैं या फिर 2023 जिनका एम है, सो दोस्तों सबसे पहले तो उनके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि अन अकेडमी लेकर के आया है आपके लिए ऑप्शनल कार्निवल, यानी कि 6 ऑप्शनल एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं अन अकेडमी को 21st of October. पहले तो ये डेट नोट डाउन कर लीजिए. ज्योग्राफी, PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये वो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कामयाब बना सकते हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 में लेकर के आने में मदद करेंगे. हमारे टॉप एक्सपर्ट्स ये कोर्सेज को स्टार्ट कर रहे हैं, 21st October स्टार्ट होगा. तो आप अन अकेडमी के ऊपर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. इसके अलावा टोटल अन अकेडमी के ऊपर 19 से ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो आपके आपको सूट करेंगे, जिनको जाकर के आप एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं दोस्तों. साथ ही साथ में कुछ और मेजर अनाउंसमेंट्स भी हैं मेरे पास. यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बच्चों के मन में ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्योंकि इस एग्जाम ने कुछ ऐसा कर दिया है जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं. यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ. जैसे कि आखिर आपको आप कैसे यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आपके पास किस चीज की जरूरत आपको सबसे ज्यादा होती है. सबसे पहले जरूरत होती है दोस्तों यूपीएससी प्रिपरेशन में, देखो इसको मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा कि जो आपकी आपकी सेल्फ रीडिंग है, आपकी सेल्फ प्रिपरेशन है, जो आपका हार्डवर्क है, इसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल मेहनत मत कीजिए और हम आपके लिए आईएएस बन जाएंगे, आपको आईएएस बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता. सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो हार्डवर्क है, ये आपका 70% पे ऑफ करेगा. लेकिन 30% और भी चीजें हैं दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में बहुत मेजर रोल प्ले करती है. आपको बॉर्डरलाइन के पास लेकर के जाने में और उस बॉर्डरलाइन से क्रॉस कराने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको जरूरत है टॉप एजुकेटर्स की, एक्सपर्ट गाइडेंस की. गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप जितने मर्जी अच्छे हो, आप बेशक जितना मर्जी अच्छा प्रिपरेशन करें, अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस नहीं है, देखो बिना द्रोणाचार्य तो अर्जुन भी अर्जुन नहीं बन पाया, राइट? तो भाई आपको अपना द्रोणाचार्य ढूंढना होगा, आपको एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा एडुकेटर आपको ढूंढना होगा जो आपको इस प्रिपरेशन का सही गाइडेंस दे पाए. सिर्फ गाइडेंस नहीं, करेक्ट गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं मार्केट में. सो यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर स्ट्रक्चर्ड जीएस और ऑप्शनल कोर्सेज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स खुद बनाते भी हैं और आपको पढ़ाते भी हैं. तो दोस्तों आपको एक बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा अनअकैडमी के ऊपर इस गाइडेंस को लेकर के, जहां पे सही एजुकेटर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई सारी समस्याएं क्या है, उस सब्जेक्ट के साथ क्या फायदा होगा, कैसे अप्रोच रहनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक सही तरीके में स्ट्रक्चर्ड मैनर में बताया जाएगा अनअकैडमी के. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, वो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज. कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो कभी भी आपका यूपीएससी सिलेक्शन नहीं हो सकता. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू बिकम, एंड इट इज वेरी वेरी ट्रू फॉर एन एग्जाम लाइक यूपीएससी. तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा समस्या होता है, प्रॉब्लम होती है. लेकिन अनअकैडमी के ऊपर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. 100 से ज्यादा यूनिक टेस्ट सीरीज हैं दोस्तों, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी हैं और सब्जेक्ट वाइज आपके सेक्शनल टेस्ट भी हैं, और ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री आपको मिलेगा. सो आपको
कहीं अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो कम से कम 10-12 हज़ार की टेस्ट सीरीज आती है, आपको मार्केट से मत खरीदना। आप अनअकैडमी के ऊपर पूरी तरह से रिलाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस है उन्हीं को बनाया जाता है दोस्तों, और अनअकैडमी का हर एजुकेटर इस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज बनाने में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, वो है हाई क्वालिटी रीडिंग मटीरियल। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ी समस्या है अनअकैडमी के लिए। मटेरियल बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है जो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको चाहिए हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल जो आपका टाइम सेव करे और आपको ज्यादा नॉलेज दे। ये हमारा पर्पज है, इसीलिए अनअकैडमी के ऊपर 20 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी नोटबुक्स हम बना करके आपको देते हैं जो पूरे यूपीएससी सिलेबस को आपके लिए कवर करेगा, और ये भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग, जो बच्चा ये दो चीजों को इग्नोर करता है, अपने डाउट्स आप लोग अगर नहीं पूछोगे, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो कभी भी आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए यूपीएससी फैक्ट से तो नहीं निकलेगा। इस बार के प्रीलिम्स ने सबको समझा दिया कि भैया फैक्ट, सिर्फ फैक्ट मत पढ़ के आइए, आप कॉन्सेप्ट समझ कर के आइए। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह वो कामयाब हो। डाउट क्लियरिंग और उसके ऊपर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग तो समझ लीजिए ये तो लाइफ लाइन है, ये ऑक्सीजन है यूपीएससी एग्जाम की। इसके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन अनअकैडमी के ऊपर होते हैं, यानी कि हर बैच में दोस्तों जो फोर्थ क्लास होती है, एवरी फोर्थ क्लास आपकी डाउट क्लास होती है जो डेडिकेटेडली आपके डाउट्स दूर करने के लिए बनाई जाती है। और साथ ही साथ में आंसर राइटिंग कोर्सेज के हजारों कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, जहां पे आप अपने आंसर लिख करके सबमिट करें, अपना फीडबैक लें, उस पर काम करें, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करें। मैं ऐसा मानता हूं कम से कम 8 से 10 महीने आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है आंसर राइटिंग में परफेक्शन लाने के लिए, जहां पे आप 7 से 8 मिनट के अंदर एक अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन लिख पाए। शुरुआत में बच्चों को 30 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है एक आंसर लिखने में, हमारा टारगेट है इसको 7 से 8 मिनट में लेकर के आना, वो भी क्वालिटी क्वेश्चन के साथ। उसके लिए भी अनअकैडमी आपको मदद करेगा। और नंबर 5, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भले इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में कम आए हो, लेकिन करंट अफेयर्स का वैल्यू हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेंस में हमेशा करंट अफेयर्स और इंटरव्यू में हमेशा करंट अफेयर्स आपको सपोर्ट करेंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इनकी बहुत जरूरी है। इसके लिए अनअकैडमी के ऊपर सिंप्लीफाइड कोर्सेज हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं डेली बेसिस पे, और ऑन द टॉप ऑफ दैट अनअकैडमी मंथली मैगजीन भी आपको देती है, नाम है आर्टिकुलेट। ये अनअकैडमी की तरफ से मंथली मैगजीन, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी देती है, कैसे और क्यों, क्योंकि अनअकैडमी का एक ही टारगेट है आपको आपके सपने से करीब लेकर के जाना। अनअकैडमी ने इस साल बहुत सारे टॉपर्स प्रोड्यूस करे हैं, एंड वी आर सो प्राउड टू अनाउंस देयर नेम्स, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रैंक जागृति अवस्थी, AIR 9 अपाला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुधानिया, करिश्मा नायर, अर्थ जैन एंड पौडी शेट्टी श्रीजा। दीज आर द टॉप फेसेस ऑफ अनअकैडमी जिन्होंने यूपीएससी ना सिर्फ क्लियर किया, टॉप रैंकर्स में आए, और बहुत ज्यादा हमें प्राउड है। इनफैक्ट टॉप 50 में 7 रैंकर जो है टॉप 20 में अनअकैडमी के हैं, और 15 रैंकर इस देश को दिए हैं अनअकैडमी ने टॉप 50 में से। तो भाई बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप ये डेयर एक्सेप्ट करते हैं, डू यू डेयर टू बी इन नेक्स्ट ईयर टॉप 50? क्या आपको लगता है कि आपका नाम अगली बार इस टॉप 50 में आएगा? और अगर आपको लगता है कि आपका नाम इस टॉप 50 में आएगा और आना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक टुगेदर विद अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऊपर नए बैचेस आ रहे हैं, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में आपको जो ठीक लगे। आइकॉनिक में फायदा ये होता है आपको पर्सनल मेंटर भी मिल जाता है साथ में, पर्सनल मेंटर के साथ में आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग की टिप्स भी दी जाती हैं, आपको टाइम टेबल भी बना के दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको और ज्यादा पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिल जाती है आइकॉनिक में, वरना प्लस भी आपके लिए अच्छा है। तो जो आपको ठीक लगे आपके बजट के हिसाब से आप
जो है सब्सक्राइब कीजिए, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर यहाँ पे प्राइसेस लिखी हैं दोस्तों, लेकिन इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप यूज करेंगे रेफरल कोड आशीष मलिक, जहाँ पे मैं आपको गाइड भी कर पाऊंगा पर्सनली और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अगली वीडियो में बात करूंगा, शुरुआत करते हैं नए कुछ बैचेस के साथ। तो अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो लाइव होगी, उस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से नए बैचेस आ रहे हैं 13 अक्टूबर को। सो बने रहे मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड अपडेट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।